तो हेलो दोस्तों, तो आज हम खेल रहे हैं स्टम्बल गाइस, जो कि एक जिसका नाम असली तो फॉल गाइस है और उसकी जगह ये स्टम्बल गाइस बना दिया है फ़ोन में। पूरा का पूरा सेम गेम है, लेकिन बस ये फ़ोन में चल जाता है और ये इसमें थोड़ी बहुत ऐड वैड आती हैं बाद में, लेकिन इतना तो चलता है क्योंकि वो पैसे का है, ये फ्री में है और इसे फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, उसे पीसी की ज़रूरत पड़ती है, तो मस्त है ये फ़ोन में गेम आराम से। और ये अर्थ स्टार भी हमारा, ये छुटकू सामने, अब ये छुटकू भागेंगे हम। और ये हथौड़े से उड़ा दिया है हमको, इसमें यही होता रहता है फॉल गाइस और ये स्टम्बल गाइस में, ये ऊपर नीचे उड़ाते हैं। और अगर आपको ये गेम डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे लिए फिर से हथौड़े ने उड़ा दिया है और ये बॉल यहाँ पर घूम रही है। सबसे बेकार लेवल मुझे बताऊँ कौन सा लगता है, वो आइस वाला, उसमें सारा फिसलता ही रहता है। और ये वाला तो काफ़ी आसान है, अच्छा खासा बस उड़ते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जल्दी जल्दी निकलना पड़ता है और अब फिनिश लाइन तक पहुँचने वाले हैं और 10वें नंबर पे हम क्वालिफाइड हुए हैं और हम जीत चुके हैं। और ये अलीस बाकी सारे लोग क्वालिफाई हो गए, बेचारा रह गया पीछे, भाई एलिमिनेट हो गए बाकी सारे लोग और घर के लोग बच गए हैं। पीछे हमारा भी नाच रहा है बंदा, और वो फॉक्स कैसे नाच रहा है भाई। अब देखते कौन सा मैप लगता है जल्दी से और कौन सा लगेगा भाई, मस्ती मैप लगे। इसमें लगभग सारे के सारे मैप हैं फॉल गाइस के, मेरे लगता है, क्योंकि मैंने फॉल गाइस वैसे खेला नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा पीसी नहीं है कि फॉल गाइस चला सके, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये झंडे वाला है, इसमें झंडे गाड़ने पड़ते हैं हमें, ठीक है, यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है और फिर झंडे गड़ जाते हैं, जो खड़ा रहेगा ज़्यादा देर तक उसके झंडे गड़ेंगे। और सामने वाली टीम पे अगर ज़्यादा झंडे गड़ गए तो वो जीत जाएगी, अगर हमारे ज़्यादा झंडे गड़ गए तो हम जीत जाएंगे, तो हम बम मार सकते हैं उनको। मेरा तो एक भी बम नहीं लगता क्योंकि मैं बड़ा नल्ला आदमी हूँ, तो ये बम ही नहीं लगता मेरा, नहीं लगा तो बम तो लगा मेरा आपकी बार ऐसे यार, एक दो बार तुक्का लग जाता भाई। अब ये हमारा ये ऐसे करके वहाँ खड़े रहना पड़ता है, फिर ऑटोमेटिकली आ जाता है झंडा, मैं भी इधर खड़ा हूँगा तो झंडा नीचे जाएगा और मेरे पूरा होने से पहले ही ये बिल्ली उड़ा देती है और पानी में गिरा देते हैं फिर से। लेकिन हमारे पास ज़्यादा है, ब्लू टीम है हमारी, तो हमने 8 झंडे कब्जा कर लिया है और उनने सिर्फ 3 पे करा है, तो हम आगे चल रहे हैं आराम से, तो आराम से हम इनका सामना कर सकते हैं। अब ये वाला झंडा भी उड़ा देते हैं और ये भी उठ गया है झंडा, और मेरे लिए पता नहीं क्यों पानी में फेंकने की सब लोग सोच रहे हैं, मुझे तो छोड़ दो कम से कम एक दो बार तो देखो। अरे 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 भैया, अरे लास्ट टाइम पे उन्होंने मारा, ऐसा कुछ कहो मत। 36 सेकंड रह गए, अब तो हम जीत ही जाएंगे। 7 झंडे हमारे पास है, 4 झंडे उनके कब्जे में है और हमारे लिए उनके कब्जे में से निकालने होंगे, तो वो वाला तो निकल गया है। चलो मेरे सामने ये, तो इनके एरिया में जाके इनके झंडे उड़ाऊँगा, ये नीचे आ गए, और ये झंडा भी अपना कर लूँगा, 7 से 8 कर दूँगा, 8 हो गए हमारे और फिर 7 हो गए, उसने 1 कर लिया। अब ये वाला भी कर दूँगा, मिल कोई नहीं रुक सकता, 6 हो गए, मैं फिर से कर दूँगा, क्वालिफाइड हो गया हमारा राउंड और हम भी जीत चुके हैं। जितने ब्लू टीम वाले थे सारे के सारे जीत गए, रेड टीम वाले हार गए हैं, तो अब हमें अपनी टीम के साथ खेलना पड़ेगा गेम। और अब की बात तो वॉल वाला मैच लगेगा, जिसमें हमें वॉल से बचना पड़ता है और आगे निकलना पड़ता है, और ये ब्लॉक डैश कहते हैं इसको, ये जो आखिरी बचेगा वो जीत जाएगा इसमें। और हम भागते हैं, इधर आ जाते हैं और फिर इसके अंदर से निकलते हैं, इसके अंदर से निकलते हैं, इसमें से वो भाई रहना है हमारे लिए, इस प्लेटफॉर्म के नीचे नहीं गिरना है हमको, ना इन लेजर्स पे जाना है, इसके ऊपर से निकलना है और इधर से जाना है। जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, वैसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इसमें ऐसे करके निकल जाओ, और इसमें थोड़े से क्रैक होते हैं उन पर एक बार टकरा के फिर तुम फिर से जा सकते हो उसके ऊपर से, लेकिन मुझे पता नहीं होता इतना अच्छा, लेकिन तो मैं मर जाता हूँ।
ऑब्वियसली। और सबसे बेकार तो ये वाला लगता है, ये निकलने ही नहीं देता है, और मैं निकल जाता हूँ किसी न किसी तरह और इसी वाले में मर जाऊँगा। मैं तो निकलने की कोशिश कर रहा था उसमें, लेकिन ये साला अपना मुंह छेड़ दिया अपने लेजर में, और सामने वाला तो कोई नहीं जीत पाता। वैसे हबीबी दीप जीत गए भैया जी, अरे हबीबी एलियन है भैया जी, और जीत